So we have completed natural changes, artificial changes, periodic, non-periodic, desirable, non-desirable. ये हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है? आज पढ़ेंगे reversible, irreversible. Okay? देखो, reversible, irreversible. ये वर्ड से आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स. सुना होगा तुम लोगों ने, रिवर्स यानी उल्टा. गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, राइट? यानी उल्टा चलता है, उल्टा. कार्स हाँ, बाइक्स नहीं. सो रिवर्स मींस अपोजिट और इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? और कमिंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, कि मैंने क्या किया, मैंने स्पीच को ऐसे पलटा फिर रिवर्स कर दिया. ठीक है, एक बार ऐसे पलटा है मैंने फिर इसको रिवर्स कर दिया. रिवर्स यानी मैं जैसा पहले था वैसे वैसा ही ले आया. सो सच काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस. ओके, सो रिवर्सिबल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी ब्रॉट बैक. ओके, दे कैन बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन. सॉरी, क्लियर? रिवर्सिबल चेंज क्या है? जहां पे तुम उस चीज को, ऐसा चेंज है जहां पे चेंज के बाद भी तुम उसको वापस उसके ओरिजिनल जगह पे ले आओगे. सपोज ये की, लॉक एंड की यहां है, मैं इसको यहां रख दिया. क्या मैं इसको यहां वापस ला सकता हूं? ले आया. देखो, ये चेंज में लाया था, यहां रखा था, इसको फिर से उसके ओरिजिनल पोजिशन पे मैं ले आया कि नहीं. This is called as reversible change. ऐसा change जहां पे तुम उसको फिर से उसके original position पे ले आ सकते हो. Clear? उसको बोलेंगे reversible change. Like flipping of paper, melting of ice. Ice को melt कर दोगे, पानी बन जाएगा. पानी को freeze कर देना, ice बन जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? Clear? Wax, मोहम, जो मोमबत्ती है, उस wax को तुम melt कर देना, liquid बन जाएगा. ठंडा कर दो, फिर से सॉलिड बन जाएगा. समझ में आ रहा है ना? क्लियर. इरिवर्सिबल जिसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम इसको, जनरली इसको चेंज नहीं कर सकते. समझ में आया? दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन. लाइक तुम पेपर को जला दिए, क्या वो फिर से उस जले हुए पेपर से नॉर्मल पेपर को तुम ला सकते हो? नॉट पॉसिबल. पेड़ ग्रो कर गया, एक सीड से पेड़ पूरा ग्रो कर गया. ओके, सीड है, उससे पूरा प्लांट ग्रो कर गया. तो क्या प्लांट को फिर से रिवर्स करके सीड बनाओगे क्या? प्लांट नया सीड बनाएगा अलग बात है, लेकिन प्लांट रिवर्स होके सीड नहीं बन सकता. नॉट पॉसिबल. बेबी ग्रो हो जाएगा, वो फिर छोटा नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. क्लियर? अब चलते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्लियर? दो नया तरीके का वर्ड है तुम्हारे लिए. फिजिकल चेंज यानी क्या होता है? एक ऐसा चेंज जहां पे कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता. नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड. कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता. क्लियर? समझ में आया? केमिकल में लेकिन नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. देखो कैसे बता रहा हूं मैं तुमको. फिजिकल चेंज, तुम इस पेपर से बोट बना दिए ना, कुछ नया बना क्या? कुछ नया चेंज आया क्या? वो पेपर का पेपर ही रहा. समझ में आ रहा है? एक और बात फिजिकल चेंज में जान लो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पे उसका बस शेप या साइज या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. याद रहे, फिजिकल चेंज में, ठीक है, क्या क्या चेंज हो सकता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, उसका शेप चेंज होगा. ओके, उसका साइज शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होगा. अंदर का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता. पेपर से तुम बोट बनाए, पेपर से तुम रॉकेट बनाए, वो पेपर ही रहता है, वो अंदर से कुछ और नहीं बन जाता. समझ में आया?
पानी को तुम फ्रीज कर दिए आइस बन गया, आइस को तुम मेल्ट कर दिए पानी बन गया। ये वाटर से ही सब कुछ बना है, ये कुछ और नया नहीं बन रहा। बस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, समझ में आया। लेकिन नया कुछ नहीं बन रहा, नया कुछ नहीं बन रहा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये है फिजिकल चेंज, समझ में आ रहा है? लकड़ी का टुकड़ा ले लिए तुम, उसे टेबल बना दिए, वो लकड़ी ही है, वो नया कुछ नहीं बना, बस उसको शेप मिला, नया शेप मिला, शेप में चेंज आया, साइज में चेंज आया, लेकिन नया कुछ नहीं बना। तो वो भी एक फिजिकल चेंज ही है, लेकिन केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है। जैसे कि बर्निंग, लकड़ी को जला दो क्या बनेगा? कोयला बनेगा, है कि नहीं? पेपर को जला दो ऐश बनेगा। फ्रूट्स को राइप कर देना तुम, देखो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वो दो चीज़ है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा ऐसा क्या क्या चेंज है जो फिजिकल भी है केमिकल भी है, बाद में लास्ट चैप्टर के लास्ट में समझाऊंगा वो वाला, आज मैं बेसिक समझाऊंगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कैसा होता है, वो पहले कच्चा होता है फिर वो पक्का हो जाता, नया चीज़ बनता है अंदर अंदर, नया केमिकल्स बनता है, वो तुम नहीं पढ़े हो, नया केमिकल्स बनता है। रेस्पिरेशन होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी क्या है? नया चीज़ है कि नहीं, समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस होता है, तुम पढ़े हो फोटोसिंथेसिस? शायद तुम नहीं पढ़े, शायद या पढ़े हो, हाँ पढ़े हो, तुम पढ़े हो, मैं तो पढ़ाया हूँ। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? जहाँ पे वो खाना बनाता है प्लांट्स, तो खाना क्या नया चीज़ है उसके लिए, है कि नहीं? तो वो सब केमिकल चेंज में जाएगा। क्लियर? अभी बस इतना याद रखो, फिजिकल चीज़ में नया चीज़ नहीं बनता, बस उसका स्टेट ऑफ मैटर, शेप, साइज या फॉर्म या फेज चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस पे नया नया चीज़ प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा और टॉपिक है जो आज पढ़ाऊंगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो अगर तुम हीट करते हो ना, तो एक चीज़ का साइज अगर बढ़ जाता है उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। चीज़ों को गर्म करने पे वो थोड़ा फैल जाएगा, थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलेंगे एक्सपैंड करना। और अगर ठंडा कर दिए और उसी चीज़ का साइज छोटा हो गया वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन साइज। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग। क्लियर? समझ में आया? आज के लिए इतना ही, पढ़ो समझो, डाउट रहेगा मुझे बता रहा। हैव अ गुड डे।